हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एलोन लिविंग लाइफ में। और मैंने ये तेल डाल दिया है और इसमें जीरा भी डाल दिया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। ये मैंने खाना बना रही थी उसी की क्लिप ले रखी है। तो ये बना रही हूँ तोरई की सब्जी मसाले की। ये मैंने हरी मिर्च कट करके ऐसे डाल दी हैं दो। और ये तेल हो गया है और इसमें मैंने डाल दिए लहसुन प्याज। लहसुन प्याज को सही से भूंजेंगे पहले। ये मैं भूंज रही हूँ। ये तेल ऑयल हो गया है वैसा। उसके बाद हल्दी डाल देंगे इसमें। हमें हल्दी डाल दी है, थोड़ी सी है तो रही तो उसी के हिसाब से हल्दी डाली है मैंने। और थोड़ी सी मिर्च, फिर डाल दूंगी मैं धनिया पिसे हुए और इसको मिक्स कर लेंगे सही से। सही से मिक्स करेंगे इसको। मैं ये मिक्स कर रही हूँ और सही से भून लेंगे इसको। ये तेल छोड़ने लगा है फिर से, गरम हो गया है। मसाले को भूनने देंगे थोड़ी देर और। ये मैंने नमक डाल दिया इसमें। सारी चीजों को सही से मिक्स करके भून लेंगे। फिर इसमें तोरई डाल दी है मैंने। तोरई को सही से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला सही से सब में मिक्स हो जाए। इसको भर के भी बना सकते हैं, पर मैंने जल्दी की वजह से ऐसे डाल दिए। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तब भी मुझे खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि घर पे कोई है नहीं खाना बनाने वाला, मैं ही अकेली हूँ। सब लड़के लोग हैं इसलिए, सब जेंट्स हैं तो इसलिए खाना मुझे ही बनाना पड़ता है। मैंने ये जल्दी की वजह से ऐसे ही डाल दिए, इसमें मसाला नहीं भरा था। और इसको हम ढक के रख दिए। फिर ये ऐसे हो गई हैं, थोड़ी देर में जल्दी बन जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। और इसमें हमने पानी नहीं डाला बिल्कुल भी। ये पानी देखो कितना हो गया, इसमें पानी निकल आता है इसमें से। थोड़ी और ढकती हूँ, या तो आप इसमें थोड़ा मतलब जैसा आप रखना चाहते हो। मैं इसमें धनिया डाल दी हूँ, बन गई है ये। थोड़ी थोड़ी तरी रह गई है इसमें और ये बन के तैयार हो गई है। मैं इनको ऐसे ही निकाल लूंगी। और इधर मैं रोटी बना रही थी, रोटी सेक रही थी, सब्जी बन रही है तो सबके लिए खाना बना रही थी, रोटी सेक रही थी, रोटियां बना रही हूँ। मैंने कल आप लोगों को डाल देती हूँ वीडियो। ये मैंने थोड़ी सी ले रखी है क्लिप, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो जल्दी जल्दी ऐसे ही सारा काम करती हूँ। मेरे को फीवर भी हो गया और थोड़ी प्रॉब्लम हो गई इस वजह से। रोटी बन गई, बना रही थी वही है। और ये मैं तैयार होके शादी में जा रही थी। थोड़ी सी मैंने ले रखा है, गांव में शादी थी उससे एक दिन पहले की यही है। उसके बाद में ही उसी रात तबीयत ख़राब हो गई। शादी में से आई थी, उससे पहले तो ठीक थी पर तबीयत ख़राब हो गई मेरी। और ये मैं शादी में जा रही थी वही मैंने ले रखी तैयार होके। आप लोग कमेंट करके बताना कैसी लग रही थी। मैं ऐसे ज़्यादा तैयार नहीं हुई थी, ऐसे ही सिंपल से मैंने साड़ी वगैरह पहन रखी है ऐसे ही।
आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। बाय कर रही थी आप लोगों से, और निकले पड़ी है रास्ते में, गई थी मैं उसी के बना रखी है मैंने, ये शाम का टाइम हो गया था और ये देखो 6 बजे के बाद गई थी मैं, जल्दी गई थी और फिर जल्दी ही वापस आ गई थी घर पे, क्योंकि घर पे कोई था नहीं इसलिए। और ये देखो मार्केट की है, ये मार्केट की तरफ से जाते हैं लोग निकल के गांव के लिए, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर है हमारा गांव यहाँ से, तो गांव में ही शादी थी वहाँ पर गए थे। शाम का टाइम है और कितना अच्छा लग रहा था, मौसम बहुत अच्छा था। आप प्लीज एंजॉय कीजिए वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ी दूर है, ज्यादा टाइम नहीं लगा था, थोड़ी देर में हम पहुंच गए थे। और ये जा रहे थे, ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत दिनों बाद बाहर निकली हूँ, 2-3-4 महीने हो गए मेरे को, जब मेरे हस्बैंड आए थे तभी मैं बाहर गई थी, तब से अब गई हूँ तो मेरे को बाहर निकल के बहुत अच्छा लग रहा था। देवर के साथ गई थी मैं, और ये देखो इतने सारे पेड़ बढ़ रहे थे रास्ते में, और शाम हो चुकी थी बहुत, मतलब अंधेरा होने लगा था थोड़ा थोड़ा, अब ज़्यादा जल्दी अंधेरा नहीं होता है लेकिन 6 के बाद तो होने लगता है, 6 बजे के बाद तो अंधेरा होने लगा था थोड़ा। और मैं वहाँ पहुँची थी तब तो भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, फिर वहाँ से चले आए थे हम लोग, मैं ये रास्ते में जा रही थी तो उसकी किलो मैंने अपनी ले रखी है, बहुत हवा चल रही थी तेज से, मेरा पल्लू नहीं रुक रहा था सर पे, मैंने हाथ से पकड़ लिया था, एक हाथ से मोबाइल पकड़ लिया ऐसे। और ये देखो वही वहाँ पे शादी थी ना, इधर से ही मतलब था, ये लाइट वगैरह लगी थी तो वो दिखा रही थी मैं आप लोगों को, और यहीं पे खाना वगैरह था वहीं पे था। और ये मैं उनके घर में जा रही थी तो क्लिप ले रखी मैंने अंदर जा रही थी, मैं जल्दी गई थी क्योंकि मुझे जल्दी आना था, यहाँ पे सब लोग बैठे थे और बातचीत कर रहे थे बहुत लोग थे, मैंने वीडियो नहीं इन्हीं की शादी है और ये बहुत हंसी मजाक कर रही थी, बैठी थी ना हमें से, और मैं बैठी थी वहाँ पर, वो मैंने अपना ले लिया है क्लिप वहाँ पर उनके घर का, ये वहीं पे लिया था शादी का। ये थी किसी से बात कर रही थी और हम लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे थे, मैंने आवाज़ पे ऐसी कर दी क्योंकि बहुत शोर मच रहा था, फिर मैं ये आ गई थी घर पे, जल्दी आ गई थी घर पे क्योंकि रात में जयमाला पड़ती तो बहुत टाइम हो जाता, इसलिए हम घर पे जल्दी आ गए थे, तो मैंने वही क्लिप ले रखी है, मैं घर पे आ गई थी तभी तो हम आए थे ना अंदर, तभी मैंने ले रखी है उसी की है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना,
और मैं ज़्यादा नहीं डाल पाई हूँ। जब मेरे को जयमाला की वीडियो मिल जाएगी तो मैं आप लोगों को डाल दूँगी, क्योंकि मैं रुकी नहीं थी वहाँ पे, तो मैं जयमाला वगैरह के क्लिप नहीं ले पाई हूँ। मैं गई थी तब जल्दी गई थी तो सब लोग सही से तैयार भी नहीं थे, लेट हो तैयार होते हैं ना, जयमाला पड़ती है तो वो लोग तैयार नहीं थे। और हम गए थे तो हम जल्दी चले आए थे क्योंकि पापा ने बोल दिया था कि घर पे जल्दी आ जाना, घर पे कोई नहीं है, तो इसलिए थैंक यू सो मच।